कितना टाइम हो रहा है पता है कुछ? कितना टाइम हो रहा है देखते हैं अभी। 3:33 रात के 3:33 हो रहे हैं और ये जाग रही है, और ये लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे से जाग, 12 बजे की उठी हुई है और अभी तक सोई नहीं, और अभी सोने का नाम भी नहीं। मैंने इसको डांट दिया था तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पूरी कॉलोनी में शोर मच गया, तो मैंने सोचा छोड़ खेलती है तो खेल ले, कोई बात नहीं। आज पूरे दिन बहुत काम किया मैंने, गंदा है ये छोड़ो, बहुत काम था दिन भर में, बहुत मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, सोई तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेटी थी बस, वो भी आधे पौने घंटे के लिए, वो भी इसको सुलाने के लिए, फिर ये सो गई थी, इसके पापा भी सो रहे थे, मैं उठ गई थी, मैं थोड़ी देर एडिटिंग की वीडियो की, और उसके बाद फिर मैंने चाय चूहे बनाई और चाय के साथ शाम का नाश्ता बनाया, बस फिर सोचा चलो रात को जल्दी सो जाऊँगी, जल्दी भी नहीं सोया गया, और फिर ये ऐसे ही परेशान करती रही। 1:30 बजे तो उठी गई थी ये बिल्कुल ही, मतलब मैंने फिर लाइट भी ऑन कर ली थी रूम की कि चलो अगर जाग रही है तो जाग ही रहने दो, कोई बात नहीं। खोलो खिड़की, खोलो चलो खोलना खिड़की, देखना कैसे खड़ी है ये, इसके आसपास भी नहीं है नींद तो, देखिए और कैमरे में तो ये फिर भी थोड़ी सी अलग सी दिखती है, और नेचुरल में तो ये बहुत प्यारी दिखती है बहुत, इसको डांटने का मन नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद भी परेशान हो रही हूँ, सब दुनिया सोई पड़ी है, कुछ तो मुझे थकान हो रही है, और कुछ कल संडे है, संडे को ज़्यादा काम होता है, लेकिन ये मान नहीं रही है, देखो खेल रही है आराम से खेल रही बिल्कुल, कौन कहता है इसको कि हाँ इसने सोना है या इसको नींद आई है। मैंने सोचा चलो ये पोटी के कारण परेशान हो रही होगी, लेकिन इसने पोटी भी कर ली है और फिर भी नहीं सो रही है। पापा तो ड्यूटी पे हैं, मैंने इसको बोल दिया कि मैं पापा को फोन कर रही हूँ तो सो नहीं रही ना, मैं तेरी शिकायत लगाऊं तो ये रोने लग गई है जोर जोर से। करूँ पापा को फोन, करूँ अभी पापा को फोन, मैं मिलाती हूँ फोन, सो नहीं रही, परेशान कर रही है, आधी रात को रसोई में खड़ी होगी आके, करो फोन, करो फोन अभी, ये तो दिन में नींद पूरी कर लेगी, परेशानी तो मेरी है ना कि पूरे दिन की थकान और 2 दिन की थकान और 1 रात की नींद। ओह चांसेस है सोने के लिए, बट अभी कोई नियर बाय नहीं, ये तो कब से चल रहा है, धीरे 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 धीरे। बहू बहू
फ्रेंड्स मिलते हैं हम सुबह। अभी मेरे तो कोई सोने का मुझे चांस नहीं लग रहा है, तो अभी हम सुबह सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में। संडे है तो थोड़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट होएगा, आपको मिलकर बताते हैं। अभी तो आधी रात में मुंह तोड़ा है बच्चों से। ओके गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय। बोलो बाय। छोटो भव्या, भवी सो गए थे क्या? हैं सो गए थे आप? हैं मैंने पूछा आप सो गए थे? सोए नहीं थे, मुझे लगा आप सो गए थे। फिर आप बोल क्यों नहीं रहे थे ऐसे? मैं बुला रही थी आपको। छैकल पे अड्डी अड्डी लातों को, छैकल छैकल पे अच्छे घूमता है गंदो बच्चो, ऐसे चाचू बोलते थे ना आपके, जशन चाचू है ना, गंदो बच्चो। चलो अब इस तकियों को रहने दो, ठीक है? बस तो गाइस यहाँ पर मैं इसको साइकिल पर बिठा दिया था मैंने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सो रही है, तो इसने गर्दन लटका ली थी, इसीलिए मैंने इसको डॉगी वाला ना पिलो दे दिया था। इसका तकिया है ये छोटा सा, तो मैंने इसको आराम के लिए ना कि गर्दन ना झटका खाए, इसलिए इसको ये पिलो दे दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सोएगी। मैं इसको गोल गोल घुमा रही थी, तो उसके कारण ना इसको चकरी सी आके नींद आ गई। तो वैसे तकरीबन 4 बज गए थे, 4, हाँ 4, क्योंकि उस टाइम वो सुबह सुबह बोलते हैं ना भगवान जी, तो वो बोल गए थे, पाठी बोलते हैं जो पुजारी होते हैं वो मंदिरों में, सुबह 4 बजे के टाइम पे। ये देखो इसको नींद आ रही थी, लेकिन जब मैंने रोका तो तभी उठ गई है, लेकिन इसको नींद आ रही थी, झटके झटके से नींद आ रही थी। वो देखो स्माइल कर रही है, ओए होए तेरी स्माइल 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 स्माइल। अरे बच्चा कितना प्यारा है ना, जे पिल्लू भी साथ साथ घूमी घूमी कर रहा है। हाँ जी मामा, चलो फाइनली सो उठ गई, उठ गई, उठ गई। चल मुझे लग रहा था ऐसे कि ये सो गई है, लेकिन फिर थोड़ी देर में मैंने इसको उठाया ना, तो ये देखो हलचल हो रही थी अभी, यानी कि गहरी नींद में नहीं सोई थी, एक पॉइंट पे सो रही थी बस तभी, और ये उठ भी गई थी। फिर मैंने इसको और घुमाया थोड़ी देर, तब
सकता है कि इसकी नींद थोड़ी पक जाए, फिर जल्दी, फिर ये देर तक सोएगी। अभी ये सो रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसको और घुमाया और उसके बाद ये थोड़ी बेबस सी मुझे नज़र आई। ये देखो उठ गई थी, तो जब ये ऐसे करके सो गई ना फिर तो फाइनली ये इस पे चेयर पे बैठी बैठी सो गई थी बिल्कुल बुरी तरीके से। फिर मैंने इसको उठाया और बेड पे लिटाया, बेड पे भी मैंने थोड़ा दूर लिटाया इसको, लेकिन इसने देख के आंखें खोल के बोली मम्मा, फिर मैंने इसको अपने पास लिटा लिया। फिर ये जैसे सोती है ना बिल्कुल अपनी पोजीशन में सोई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड नाइट गाइज़।